एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक टाइगर और सोहो एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। सोहो गुस्से में ब्लैक टाइगर से कहता भी कि तुम सभी साउथ कोरियन एक नंबर के धोखेबाज हो। पर सोहो को समझाते हुए ब्लैक टाइगर उसे कहता है कि तुम्हें अरेस्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्लैक टाइगर की बात को बीच में काटते हुए सोहो से कहता है कि मैं चाहकर भी यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ कोरिया नहीं पहुंचा तो वहाँ की गवर्नमेंट मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सोहो की बात समझने के बाद ब्लैक टाइगर उससे कहता है कि अभी हम दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। इतना कहकर ब्लैक टाइगर और सोहो दोनों ही अपनी अपनी बंदूक के नीचे कर देते हैं। ANSP के बेस के अंदर नामतेल मिस्टर आन से कहता है कि आज रात 10 बजे वो लोग हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा देंगे। नामतेल मिस्टर आन से ये भी कहता है कि उस समय तुम रिपोर्टर्स को बाहर ले जाना, ताकि हम बॉम्ब ब्लास्ट की बात पूरी देश की जनता को ये बता सके कि ये काम नॉर्थ कोरियन स्पाइस का है। नामतेल की सारी बातें सुनने और समझने के बाद मिस्टर आन उससे पूछते है कि अगर हॉस्टल का काम आज ही तमाम हो जाएगा तो क्या हमें नॉर्थ कोरिया को पैसे जल्द से जल्द दे देने चाहिए। मिस्टर आन की बात सुनते ही नामतेल उनसे कहते हैं कि इलेक्शंस जीतने में वैसे भी नॉर्थ कोरिया ने हमारी कोई मदद नहीं की है, तो बेहतर यही होगा कि इलेक्शन जीतने के बाद ही हम उन्हें पैसे पहुंचाए। घर नीचे रखने के बाद ब्लैक टाइगर सोहो से कहता है कि वो डॉक्टर पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं करता। पर सोहो ब्लैक टाइगर को समझाते हुए कहता है कि उन लोगों के पास डॉक्टर को भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सोहो साथ ही साथ ब्लैक टाइगर को नॉर्थ कोरिया का मैसेज भी दिखाता है जो कि हाल ही में सोहो को आया था। उस मैसेज के अंदर लिखा था कि अगर आज रात तक सोहो ने हॉस्टल में मौजूद सभी लोगों के साथ अगर हॉस्टल को बॉम्ब से नहीं उड़ाया तो नॉर्थ कोरिया में मौजूद उसकी बहन जान से मारी जाएंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर उस फॉरिनर के साथ जैसे ही उसके होटल रूम के सामने पहुंचती है, डॉक्टर देखती है कि रूम सर्विस ने उस फॉरिनर का रूम साफ कर दिया है। डॉक्टर को उस रूम सर्विस वाली लड़की पर शक होने लगता है, क्योंकि फॉरिनर ने होटल स्टाफ से पहले ये साफ साफ कह दिया था कि उसके चेकआउट करने के बाद ही रूम की सफाई होगी। अब अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए डॉक्टर पूरे रूम की छानबीन करने लगती है और बग डिटेक्टर की मदद से उन्हें रूम के अंदर छुपाया हुआ एक बग भी मिल जाता है। डॉक्टर उस होटल स्टाफ को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वक्त रहते हाना वहां से भाग जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ब्लैक टाइगर ने ही हाना को डॉक्टर की जासूसी करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ सोहो प्रेयर रूम में जाता है, जहां पर योंगरो अब भी अपने पापा के लिए प्रे कर रही थी। सोहो धीरे से जाकर योंगरो की पास वाली बेंच पर बैठ जाता है और फिर योंगरो से पूछता है कि अगर मैंने भी प्रार्थना की तो क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे। सोहो की ये बात सुन योंगरो उससे कहती कि क्या कुछ गलत हुआ है। सोहो जब योंगरो को नहीं कहता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद सोहो योंगरो से ये भी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सोहो को समझाते हुए योंगरो से कहते कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। योंगरो सोहो से ये भी कहते कि अगर हम लोग आम होते तो हमारी लाइफ कितनी आसान होती ना। योंगरो की बातों का जवाब देते हुए सोहो उससे कहता है कि अगर मैं आम होता तो मैं सच में एक म्यूजिक कैफे के अंदर रोज गाना गाता। सोहो अपने बचपन को याद करते हुए योंगरो को बताता है कि जब वो छोटा था तब वो और उसके पापा और उसकी बहन तीनों मिलकर गाना गाया करते थे। इनफैक्ट सोहो के पापा को गाने लिखना और गाने गाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। सोहो योंगरो को ये भी बताता है कि वो अपने पापा की तरह एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, क्योंकि जीवन की असली खुशी उससे अपनी बहन और पापा के साथ बिताए हुए इन लम्हों में ही मिलती थी। सोहो की स्वीट सी स्टोरी सुन योंगरो उससे स्माइल करते हुए कहती है कि अगर तुम कैफे में गाना गाते तो मैं रोज तुम्हारा गाना सुनने के लिए वहाँ पर आती थी, फिर चाहे आंधी आए या तूफान मैं तुम्हारा एक भी शो मिस नहीं करती थी। दूसरी तरफ नामतेल को फोन के जरिए सोहो के पापा की सेक्रेटरी से पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया ने सोहो को एक मैसेज भेजा कि अगर आज रात तक उसने हॉस्टल के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया तो वो उसकी बहन को मार देंगे। सेक्रेटरी नामतेल से ये भी कहती है कि सोहो के बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद हमें $300 मिलियन जल्द से जल्द चाहिए। नामतेल इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि अब हॉस्टेजेस को मारने के लिए उसे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। नामतेल चांगसू के सेक्रेटरी से कहता है कि अगर चांगसू के बचने की जरा सी भी उम्मीद है तो तुम उस आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दो, यानी कि चांगसू को जान से मार दो। अब नामतेल की बात मान जैसे ही चांगसू का सेक्रेटरी हॉस्पिटल में जाता है, वो देखता है कि चांगसू की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है और वो किसी भी समय अपना दम तोड़ सकता है। सेक्रेटरी जब ये बात नामतेल को बताता है तो नामतेल इस बात से बहुत खुश होता है। चांगसू ऑलरेडी अपने डेथ बेड पर है तो उसकी मौत का पाप हमें हमारे सिर नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर रन अपनी वाइफ को $300 मिलियन दे देते ताकि वो उस फॉरेनर की कंपनी में ये पैसे इन्वेस्ट कर सके। दरअसल इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ का ये प्लान था कि एक हफ्ते के लिए
ये दोनों 300 मिलियन डॉलर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो लोग अपने फायदे के लिए यूज करेंगे और फिर एक हफ्ते बाद मिस्टर एन ये पैसा सेफली नॉर्थ कोरिया पहुंचा देंगे। मिस्टर एन के जाने के बाद वो फॉरेनर मिसेस एन से मिलने आती है ताकि वो उनसे 300 मिलियन डॉलर ऐड सके। मिसेस एन भी बड़ी ही आसानी से 300 मिलियन डॉलर उस फॉरेनर को दे देती है और फॉरेनर भी मिसेस एन से मेंबर सर्टिफिकेट साइन करवाने के बाद गिफ्ट के तौर पर उन्हें एक डायमंड रिंग देती है। मिसेस एन जैसे ही उस रिंग को देखती है उनकी आंखें चार हो जाती है। मिसेस एन से पैसा लेने के बाद वो फॉरेनर सीधा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर वो पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट करवा देती है। अब पूरा काम अच्छी तरीके से खत्म होने के बाद डॉक्टर सोहो को वॉकी टॉकी के जरिए कॉन्टेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो मिस्टर एन से 300 मिलियन डॉलर चुराने में कामयाब हो गई है। डॉक्टर की ये बात सुन सोहो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो डॉक्टर से कहता है कि आपको कुछ भी करके आज रात तक हॉस्टल के अंदर वापस आना होगा। सोहो की ये बात सुनने के बाद डॉक्टर सोहो से कहती है कि वो ब्लैक टाइगर से बात करना चाहती है। सोहो जैसे ही ब्लैक टाइगर को वॉकी टॉकी देता है डॉक्टर ब्लैक टाइगर से कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम हैना के जरिए मेरी जासूसी कर रहे थे, पर अगर अब तुमने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि इस समय हैना भी उन दोनों को सुन सकती है, तो डॉक्टर वॉकी टॉकी के जरिए हैना से भी कहती है कि वो एक घंटे में डॉक्टर से उनके घर के नीचे मिले। डॉक्टर सोहो से कहती कि वो 10 बजे या फिर 10 बजे के पहले हॉस्टल में आने की पूरी कोशिश करेगी। फोन रखने के बाद सोहो ब्लैक टाइगर से पूछता कि क्या तुमने सच में डॉक्टर की जासूसी करने की कोशिश की है। अब सोहो के इस सवाल से बचने के लिए ब्लैक टाइगर सोहो से नजरें चुराते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। ब्लैक टाइगर को अपना वॉकी टॉकी चार्ज करना था तो वो वार्डन से पूछता है कि क्या उनके सीक्रेट रूम में वॉकी टॉकी का चार्जर है। वार्डन जैसे ही हां में जवाब देती है ब्लैक टाइगर अपना वॉकी टॉकी उन्हें दे देता है। उन दोनों की ये सारी बातें रिसेप्शनिस्ट सुन लेती है और वो मौका देखकर वार्डन के सीक्रेट रूम में जाती है और वहां से वॉकी टॉकी चुराने के बाद रिसेप्शनिस्ट वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर मिस्टर एन को कॉन्टेक्ट करती है। मिस्टर एन रिसेप्शनिस्ट से कहते भी कि उन्हें उसकी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें समझाते हुए बताती है कि उसके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन के बदले रिसेप्शनिस्ट चाहती थी कि बाद में मिस्टर एन उसकी मदद करे। मिस्टर एन जब रिसेप्शनिस्ट की मदद करने के लिए मान जाते तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि डॉक्टर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। अब मिस्टर एन जैसे ही ये बात सुनते उनके कान खड़े हो जाते हैं। पहले तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता, फिर पर जैसे वो अपना होश संभालते हैं उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि नाम तेल के विकेट गिराने का इससे अच्छा मौका उन्हें कभी नहीं मिल सकता था। वो रिसेप्शनिस्ट से और बात करने की कोशिश करते हैं पर तभी वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो जाती है। मिस्टर एन थोड़ी बहुत नाम तेल की जासूसी करते हैं और जासूसी करने पर उन्हें पता चलता है कि नाम तेल सुबह से डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है पर डॉक्टर उसका फोन ही नहीं उठा रही है। अब ये खबर जानने के बाद मिस्टर एन डॉक्टर की अपार्टमेंट की तरफ रश करते हैं। रास्ते में मिसेस चांगसू मिस्टर एन को कॉल करके कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है, पर मिस्टर एन उनसे मिलने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था। इतना बोलकर मिस्टर एन फोन रख देते हैं और मिसेस चांगसू को ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा इंसान है जो तुम्हारा वफादार हो। चांगसू के पास जब इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता तो मिसेस चांगसू अपने हस्बैंड से कहती है कि उन्हें हैना को यूज करना चाहिए क्योंकि वही एक थी जिसने मिसेस चांगसू को ये सच्चाई बताई थी कि चांगसू को नाम तेल ने ही गोली मारी है। दूसरी तरफ हैना डॉक्टर के अपार्टमेंट के नीचे खड़ी थी। थोड़ी देर बाद हैना देखती है कि मिस्टर एन और उनके कुछ आदमी अपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं। हैना जैसे ही देखती है वो समझ जाती कि शायद से मिस्टर एन को ये बात पता चल गई है कि डॉक्टर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। हैना जल्द से जल्द मिस्टर एन की कार का लॉक तोड़ती है और डॉक्टर को कॉल करके बताती है कि मिस्टर एन जल्दी उसके अपार्टमेंट में आने वाले हैं। डॉक्टर भी जैसे ही ये बात सुनती वो अपने घर के अंदर की सीक्रेट रूम में छुप जाती है और जैसे ही मिस्टर एन उसके अपार्टमेंट के अंदर पहुंचती वो उनके नाक के नीचे से भाग जाती है। डॉक्टर जैसे ही अपार्टमेंट के नीचे पहुंचती वहां से भागने में हैना उसकी मदद करती है। मिस्टर एन को अपने एजेंट्स के जरिए जैसे ही ये बात पता चलती है कि डॉक्टर हैना के साथ भाग चुकी है वो डॉक्टर को, जिससे कि डॉक्टर ये देश छोड़कर कहीं भी नहीं भाग पाएंगी। मिस्टर एन डॉक्टर के सीक्रेट रूम में भी जाते हैं और वहां से अपनी और अपनी वाइफ की सारी फोटोज हटा देते हैं। डॉक्टर के घर की छानबीन करने पर मिस्टर एन के एजेंट्स को डॉक्टर और नामदेल की कई इंटीमेट फोटोज मिलती है। दूसरी तरफ वॉचमैन के बेटे को रिसेप्शनिस्ट से बात पता चल जाती है कि योंगरो एएनएसपी के डायरेक्टर चांगसू की बेटी है। सच का पता चलने के बाद वॉचमैन का बेटा ये बात सभी हॉस्टेजेस को बता देता है और जब योंगरो अपने मुंह से ये बात कबूल करती है कि वो सच में एएनएसपी के डायरेक्टर चांगसू की बेटी है तो वहां पर मौजूद सभी हॉस्टेजेस उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं क्योंकि
उन हॉस्टेजेस में से कुछ लोगों के परिवार के साथ एएनएसपी ने बहुत बुरा बर्ताव किया था, यहाँ तक कि रूममेट टू की फैमिली के साथ भी। सच का पता चलने के बाद सभी हॉस्टेजेस योंगरो को खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं और योंगरो एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप उन सभी की बातें सुनती रहती है। योंगरो से गुस्सा होकर सभी हॉस्टेजेस उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते, यहां तक कि उसके रूममेट्स भी। ब्लैक टाइगर और वार्डन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये खबर रिसेप्शनिस्ट ने ही वॉचमैन के बेटे को बताई है। वो लोग रिसेप्शनिस्ट की इस हरकत के लिए उसे डांटना तो बहुत चाहते थे, पर वो उसे चाह कर भी कुछ नहीं कह पाते। सब लोगों के जाने के बाद वार्डन योंगरो से पूछती भी कि क्या तुम ठीक हो, तो योंगरो बड़ी ही हिम्मत के साथ वार्डन को जवाब देते हुए कहती है कि वो ठीक है और वैसे भी उसके पापा ने सच में बहुत बुरे काम किए हैं। योंगरो को समझाते हुए ब्लैक टाइगर भी उससे कहते कि तुम्हारे दोस्त कभी ना कभी ये बात जरूर भूल जाएंगे। ब्लैक टाइगर और वार्डन की बातें सुनने के बाद योंगरो वहां से चली जाती है और तभी ही कमरे में सोहो आता है। योंगरो को कमरे से इस तरह जाते देख सोहो ब्लैक टाइगर और वार्डन से आंखों ही आंखों में पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो दोनों जैसे ही सोहो को बताते कि योंगरो की सच्चाई सब लोगों को पता चल गई है, सोहो योंगरो के पीछे भागता है। सोहो जैसे ही योंगरो के पास पहुंचता है वो देखता है कि योंगरो एक कोने में खड़े रहकर फूट फूट कर रो रही थी। सोहो जब योंगरो को चुप कराने के लिए उसके करीब जाता है तो योंगरो उससे कहती है कि वो ठीक है और वो वहां से जाने लगती है। पर तभी ही सोहो योंगरो का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सीने से लगाकर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर को लग रहा था कि हाना ने ही मिस्टर आन को बताया है कि डॉक्टर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। डॉक्टर हाना को इस बारे में कन्फ्रंट भी करती है, पर हाना उनसे साफ साफ कह देती है कि आपकी सच्चाई बाहर लाने में मेरा हाथ नहीं है क्योंकि मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं है। उल्टा अगर आप हॉस्टल के अंदर वापस जाएंगी तो ब्लैक टाइगर के बचने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाना की सफाई सुनने के बाद भी डॉक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो हाना के साथ थोड़ी हाथापाई करने के बाद उसे बेहोश कर कार से बाहर भाग जाती है। मिस्टर आन कॉल करके अपनी वाइफ को बताते हैं कि डॉक्टर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है और डॉक्टर का अफेयर नामदेल के साथ चल रहा है। मिस्टर आन अपनी वाइफ से ये भी पूछते हैं कि क्या तुम और डॉक्टर क्लोज थे। मिसेस आन जब नामे जवाब देती है तो मिस्टर आन उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर के पास मिस्टर आन मिसेस आन की पिक्चर्स थी। वो दोनों आपस में फोन में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मिसेस नामदेल आ जाती है और अपने पति का नाम फोन पर सुन वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। मिसेस आन मिसेस नामदेल को और भी ज्यादा परेशान करने के लिए अपने हस्बैंड से जानबूझकर कहती है कि उन्हें नामदेल के साथ में थोड़ी नरमी बरकनी चाहिए। मिसेस आन के फोन रखते ही मिसेस नामदेल उनके सामने सवालों की लड़ी लगा देती है कि क्या उनके हस्बैंड ठीक तो है और वो उनके हस्बैंड के बारे में मिस्टर आन से क्या बात कर रही थी। अब अपनी उभरती खुशी को उदास से चेहरे के पीछे छुपाते हुए मिसेस आन मिसेस नामदेल से कहती कि मिस्टर नामदेल की डॉक्टर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। यही नहीं, उन दोनों का बहुत समय से अफेयर भी चल रहा है। अब मिसेस नामदेल को जैसे अपने पति की काली करतूतों के बारे में पता चलता है वो बेचारी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर नामदेल अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से मिलने आते हैं, पर उनकी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में तो मिस्टर आन और उनके एजेंट्स मौजूद थे। नामदेल को इतना खुश देखकर मिस्टर आन उसे जोर से किक करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरीके से नामदेल मिस्टर आन को किक किया करते थे। नामदेल मिस्टर आन को गालियां देते हुए कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर तभी मिस्टर आन नामदेल को मुस्कुराते हुए बताते हैं कि डॉक्टर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। सच का पता चलने के बाद नामदेल के पैरों से तो जमीन ही सरक जाती है। अपने होश संभालते हुए नामदेल मिस्टर आन से कहने लगता है कि उसके और डॉक्टर के बीच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा मिस्टर आन सोच रहे हैं। पर तभी ही मिस्टर आन नामदेल को उसकी और डॉक्टर की कुछ इंटीमेट फोटोज दिखाने लगते हैं। नामदेल को जब पता चलता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता तो वो मिस्टर आन को डराने धमकाने लगता है कि वो नामदेल है और मिस्टर आन उसे छू भी नहीं पाएंगे। पर तभी ही मिस्टर आन नामदेल को मारते हुए उससे कहते हैं कि अगर मैंने इसी वक्त तुम्हारी जान ले ली और तुम्हारे खून का इंजाम डॉक्टर के सिर के ऊपर डाल दिया तो सब लोगों को मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे तुमने चांगसू को मारने की कोशिश की और फिर उसके खून का इंजाम नॉर्थ कोरियन स्पाइस पर डाल दिया। हाना ब्लैक टाइगर को वॉकी टॉकी के जरिए बताती है कि एएनएसपी को ये बात पता चल गई है कि डॉक्टर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है और अब डॉक्टर फरार है। ब्लैक टाइगर के साथ सोहो भी उसी जगह पर मौजूद था। ब्लैक टाइगर हाना से कहता है कि उसे इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। सोहो इस बात से बहुत परेशान था कि डॉक्टर का सच सबके सामने आ चुका है। बेसमेंट में हम देखते हैं कि कैंटीन वाली आंटी बड़े ही प्यार से जैक को खाना खिलाने की कोशिश करती है और जैक को भी कैंटीन वाली आंटी की आंखों में इतना प्यार देख उनमें अपनी मॉम नजर आने लगती है। पर इससे पहले कि कैंटीन वाली आंटी जैक को कुछ खिला पाती सोहो वहां पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सोहो जैक को समझाते हुए कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम किसी और लीडर के लिए काम कर रहे हो,
तो मैं बस तुमसे इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि तुम अपने लीडर को ये बात इन्फॉर्म कर दो कि ANSP अब ये बात जानती है कि डॉक्टर एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है। सोहो ने जैक को ऐसा करने के लिए सिर्फ इसीलिए कहा था क्योंकि सोहो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि सोहो का लीडर और जैक का लीडर दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और अब जबकि पैसा भी डॉक्टर के पास है तो उस पैसे को पाने के लिए ये दोनों ही लीडर किसी भी हद तक जा सकते हैं। सोहो की सारी बातें सुनने के बाद जैक उससे कहता है कि तुम्हें इस बात पर बहुत घमंड होगा ना कि तुम इतने बड़े लीडर के बेटे हो, क्योंकि तुम जब चाहे जिसे चाहे अपने इशारों पर अच्छी तरीके से नचा सकते हो। जैक की ये बात सुन सोहो की आंखें नम हो जाती है और वो उससे कहता है कि मेरे असली पापा कोल माइन में काम किया करते थे और एक दिन ऐसे ही माइनिंग करते वक्त उनकी जान चली गई। सोहो जैक को ये भी बताता है कि उसके माने हुए पापा उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके हाथ में साउथ कोरिया की ये मोटी रकम लग सके। सोहो जैक को समझाते हुए ये भी कहता है कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, पर उसे किसी की हाथ की कठपुतली बनना मंजूर नहीं, वो भी उन लोगों की जो कि चंद पैसों के लिए अपने ही देश के वफादार लोगों को मौत के मुंह में धक्का दे सकते हैं। अब सोहो की असलियत जानने के बाद जैक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और अपनी लीडर को मैसेज करके डॉक्टर की सिचुएशन के बारे में बताता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैक की लीडर और कोई नहीं बल्कि सोहो के पापा की सेक्रेटरी ही थी। अब सेक्रेटरी को जैक के मैसेज के जरिए जैसे ही बात पता चलती है कि डॉक्टर सोहो का साथ दे रही है और डॉक्टर की सच्चाई भी साउथ कोरिया के सामने आ चुकी है, वो सोहो के पापा को ये कहते हुए ताना मारने लगती है कि आपने तो कहा था कि डॉक्टर हमें कभी धोखा नहीं देंगी, पर वो तो बिल्कुल आप ही के बेटे जैसे निकली, गद्दार। गुस्से में सेक्रेटरी मैसेज के जरिए जैक को ये ऑर्डर देती है कि वो सोहो को अभी के अभी जान से मार दे। दूसरी तरफ मिसेस नामदेल अपने हस्बैंड के धोखे से बहुत ज्यादा परेशान थी। गुस्से में मिसेस नामदेल उस तांत्रिक को गाली देने लगते है क्योंकि उस तांत्रिक ने ही कहा था कि मिसेस नामदेल को उस डॉक्टर को हमेशा मिस्टर नामदेल के पास रखना है क्योंकि डॉक्टर नामदेल का गुड लक है। अब सच का पता लगने के बाद मिसेस नामदेल को तो इस बात पर भरोसा हो गया था कि वो तांत्रिक ढोंगी है। वो जब इस बारे में मिसेस एन को बताती तो मिसेस एन पहले तो उनकी बातों पर यकीन नहीं करती, पर फिर मिसेस एन भी जब उस तांत्रिक को कॉल करने की कोशिश करती है तो उस तांत्रिक का नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब मिसेस एन को भी तांत्रिक पर शक होने लगा था और अपने इस शक को दूर करने के लिए मिसेस एन अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है और उससे कहती है कि वो हांगकांग यानी कि उसी कंपनी में कॉल करके ये पता करे कि जिस लड़की के भरोसे उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी है भी या नहीं। सेक्रेटरी जैसी उस कंपनी में कॉल करती है, मिसेस एन को पता चलता है कि जिस फॉरेनर को उन्होंने पैसे दिए थे उस नाम की कोई भी लड़की उस कंपनी में काम नहीं करती है। मिसेस एन को जैसे ही बात पता चलती है उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है और वो अपनी सेक्रेटरी से कहती भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस फॉरेनर ने तो मुझे इतनी महंगी रिंग दी है। मिसेस नामदेल जैसी उस रिंग को देखती है वो मिसेस एन से कहती है कि ये रिंग नकली है। हालातों से परेशान मिसेस एन एक बार उस तांत्रिक से भी मिलने जाती है, पर उस तांत्रिक के ठिकाने पर कोई भी मौजूद नहीं था। हाना ब्लैक टाइगर को बताती है कि मिसेस चांगसू उससे मिलना चाहती है। पहले तो ब्लैक टाइगर हाना से कहता है कि उसे मिसेस चांगसू से नहीं मिलना चाहिए, पर फिर हाना जब ब्लैक टाइगर को समझाती है कि उन्हें हर एक चीज ट्राई करके देखनी चाहिए जिससे कि हॉस्टल में मौजूद हर एक इंसान की जान बच सके। हाना की ये बात सुनने के बाद ब्लैक टाइगर उसे मिसेस चांगसू से मिलने की परमिशन दे देता है। जल्दी हाना मिस्टर एंड मिसेस चांगसू से मिलने जाती है और उन्हें देखने के बाद हाना को पता चलता है कि मिस्टर चांगसू की तबीयत बिल्कुल ठीक है। चांगसू हाना से कहते कि तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को बचाने के लिए था, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, पर तुम्हें यौंगरों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। चांगसू की ये बात सुनने के बाद हाना उसे बता देती है कि नॉर्थ ने सोहो को आदेश दिया है कि अगर वो आज रात से पहले अपने आप को और हुसू हॉस्टल को बॉम्ब से नहीं उड़ाएगा तो नॉर्थ में उसकी बहन जान से मारी जाएंगी। हाना की ये बात सुनने के बाद चांगसू उससे कहता है कि वो सोहो से बात करना चाहता है। अब सोहो से बात करने पर चांगसू उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, पर बदले में सोहो को सभी हॉस्टेजेस को सही सलामत हॉस्टल के बाहर जाने देना होगा। चांगसू सोहो से ये भी कहता है कि जैसे ही सोहो सभी हॉस्टेजेस को रिलीज कर देगा वैसे ही चांगसू सोहो के लिए कार रेडी रखेगा जिसमें कि सोहो के सभी साथी हॉस्टल से दूर भाग पाएंगे। चांगसू सोहो का अशोर करते हुए ये भी कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि सोहो अपने साथियों के साथ किसी और कंट्री में महफूज रहे। अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए चांगसू ये भी कहता है कि सब लोगों के हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद चांगसू खुद हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा देगा और मीडिया को ये बताएगा कि नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने ही हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा दिया है। इससे सोहो की बहन भी बच जाएंगी जो कि नॉर्थ कोरिया में इस समय मौजूद है।
चांगसू का पूरा प्लान सुनने के बाद सोहू उससे कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। फोन रखने के बाद मिसेस चांगसू हाना से कहती है कि तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। के चांगसू को होश आ गया है, हाना भी उनकी बातों में हामी भरती है। हॉस्टल के अंदर जब योंगरू को सोहू से अपने पापा के प्लान के बारे में पता चलता है तो योंगरू सोहू से कहती है कि वो अपने पापा से बात करना चाहती है। सोहू जब इस बात के लिए हामी भर देता है तो योंगरू अपने पापा से कहती है कि वो सोहू के साथ तब तक रहेंगी जब तक सोहू सेफली इस देश को छोड़कर बाहर ना चला जाए। चांगसू भी अपनी बेटी की बात मान लेते हैं और उसे सोहू के साथ रहने की इजाजत दे देते हैं जब तक कि सोहू इस देश से बाहर ना चला जाए। दरअसल योंगरू खुद अपनी आंखों से सोहू को सेफ देखना चाहती थी और इसी वजह से उसने ये शर्त अपने पापा के सामने रखी थी। फोन रखने के बाद चांगसू हाना से कहता है कि तुम भी सोहू और योंगरू की कार का पीछा करूंगी और सोहू जैसे इस देश को छोड़ देगा तुम वापस से योंगरू को अपने साथ ले आऊंगी। हाना चांगसू की बात मान लेती है और वहां से चली जाती है। हाना के वहां से जाते ही चांगसू योंगरू पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि आखिर उसकी बेटी इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि वो उन्हीं नॉर्थ कोरियन स्पाइस की सुरक्षा की चिंता कर रही है जिनकी वजह से उसके भाई की मौत हुई है। मिसेस चांगसू भी अपने हस्बैंड को भड़काते हुए कहती है कि अगर वो योंगरू के बारे में सोचेंगे तो उनका करियर खतरे में आ सकता है और वैसे भी योंगरू जिस तरीके से एक्ट कर रही है उस तरीके से वो कभी भी हॉस्टल के बाहर नहीं आएंगी। मिसेस चांगसू ये भी कहती है कि हमें हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए और फिर जब डोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 13 लोग बचेंगे तब हमें हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा देना होगा। जल्दी चांगसू को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और प्रेसिडेंट चांगसू से पूछते कि क्या तुम्हारी बेटी भी हॉस्टल के अंदर फंसी हुई है। चांगसू जैसे ही हमें जवाब देता है प्रेसिडेंट उसे एक ग्रेट लीडर का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि इस लीडर ने भी जंग जीतने के लिए अपने परिवार को दांव पर लगा दिया था और तुम भी एक ऐसे ही लीडर हो। इतना कहते ही प्रेसिडेंट फोन काट देते हैं। वेल इनकी बातों का सीधा मतलब यही था कि इलेक्शन जीतने के लिए चांगसू को भी अपनी बेटी योंगरू की बलि चढ़ा देनी चाहिए। दूसरी तरफ सोहू योंगरू से कहते हैं कि उसे सभी हॉस्टेजेस के साथ हॉस्टल से बाहर चले जाना चाहिए ना कि सोहू के साथ अंत तक रहना चाहिए ताकि वो सोहू को इस देश से बाहर सेफली जाते देखे। पर सोहू की बात का जवाब देते हुए योंगरू से कहती है कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांगसू किसी को ऑर्डर देता है कि वो हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा दे और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।